मरीख पर इतने बड़े बड़े पहाड़ कहां से आए? माउंट एवरेस्ट को सर करना जमीन पर कोह पैमाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझा जाता है, लेकिन ये मरीख के आतिशफशां पहाड़ों के सामने कुछ भी नहीं। मरीख पर पाया जाने वाला ओलंपस मॉन्स अपनी कामत में माउंट एवरेस्ट से दुगना से भी बड़ा है। आइए देखते हैं कि मरीख पर इतने बुलंद बाला पहाड़ आखिर कहां से आए। इब्तदा में मरीख पर फाल या एक्टिव आतिशफशां पहाड़ मौजूद थे, जो मरीख की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों की हरकत के बायस बने। मरीख पर ज़मीन की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं पाई जाती जो हॉट स्पॉट्स के ऊपर हरकत करें, लिहाजा फासले फासले पर कई आतिशफशां पहाड़ बनने की बजाय मरीख पर एक जगह पर एक ही बड़ा सा आतिशफशां पहाड़ बन जाता है। मज़ीद ये कि मरीख पर कशिश शक्ल कम होने के बायस इस पहाड़ की कामत में इजाफा होता चला जाता है। किसी भी सैयारे की बाहर की साख्त या शक्ल व शबाहत का इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है। मसलन ये देखने से कि सैयारे के अंदर से हरारत बाहर कैसे निकलती है हमें काफ़ी मालूमात मिल सकती है। नासा का खसूसी इनसाइट मिशन बिल खोद कर मरीख में हरारत का बहाव मालूम करने की कोशिश में है। इससे सिर्फ मरीख के बारे में ही मालूम ना होगा बल्कि ये भी पता चल सकेगा कि ज़मीन समेत दीगर चट्टानी सैयारे कैसे वजूद में आए, सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी।